ये हम लोग का पहाड़ जो नॉर्थ बंगाल का जो पहाड़ है और कालिम्पोंग कार्शियांग डिस्ट्रिक्ट जो है उधर हम लोग सीड क्रॉप हेयरिंग के लिए एक नया जगह हम लोग ढूंढ मिला एमएसएसओ मुगा एरी सिल्कम सीड ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल सिल्क बोर्ड का अंडर जो हम लोग का जो मुगा का जो सीड के लिए जो ऑफिस है वो हम लोग मिल के और ज्वाइंट डायरेक्टर नॉर्थ जोन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल सब मिल के हम लोग एक नॉर्थ जोन में एक जगह हम लोग देखा है जिसमें जिसका जो वेदर जो क्लाइमेट मुगा के लिए मुगा हेयरिंग के लिए सुइटेबल है ऐसे अनसुटेबल सीजन में जैसे जून जुलाई अगस्त सितंबर अप टू सितंबर तक हम लोग सीड क्रॉप हेयरिंग डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सीड क्रॉप हेयरिंग के लिए हम लोग मेघालय का पहले चुना था हेयरिंग के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट जो सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस रखते हैं उसमें हम गए उसमें मिजोरम था मणिपुर था अरुणाचल प्रदेश था और हमारा वेस्ट बंगाल था। सेंट्रल सिल्क बोर्ड एक नोडल एजेंसी हमारा सब स्टेट के कवर करी हमें जेहेतु मुगा एरि सिल्कम सीड ऑर्गेनाइजेशन संगे थी तो मुगार एर ऊपर ट्रेनिंग दी हमें एक सेंट्रल मुगा एरि रिसर्च इन्स्टिट्यूट आदईगढ़ पूरा मालबेड़ ऊपरे ट्रेनिंग दे और एक सीटी एंड रांची इन्स्टिट्यूट आरा दसर उपरे ट्रेनिंग दे सिल्क समग्र टू जो स्कीमटा एस सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ थे तर थ्रु दिए प्रतिटा स्टेट के निजे सीड प्रोडक्शने एमपावर करार्जन ट्रेनिंग एवं टेक्निकल एक्सपोजर विजिट्स ये सबगुलो करा रिसेंटलि बिहार एवं एखन वेस्ट बेंगल थेके फार्मार्स एस बिहार जरा फार्मार्स एस तक एरिर उपरे ट्रेनिंग दिए एक्सपोजर विजिट दिए एखन मुगार ऊपर और आमादेर मेघालय गवर्नमेंटर संगे टाइप कर एक ट्रेनिंग जेटा रोमपाड़ा यूनिट कर लास्ट इयर तो विभिन्न समय जे जे स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर तादेर रिक्वेस्ट फुलफिल करार टेक्निकल सपोर्ट दीते थी ट्रेनिंग ट्रेनिंग देके बहुत लाभान्वित हुआ है। पहले अगर ट्रेनिंग हम नहीं लेते तो कीड़ा का जो रोग होता है वो तो हम नहीं पहचान सके ना। साल लोगों ने हम बहुत सिखा दिया कि ऐसे ऐसे उसका प्रिवेंशन है ये करने से ये होगा इसके लिए बहुत अच्छे से हमको समझ ट्रेनिंग है। यहाँ पर 21 आदमी आया 21 फार्मर है हाँ कूचबिहार जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट से आया। हम लोग का जो ये रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है मुगा सीड रियरर का ये हम लोग का सिल समग्र टू बोल के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है स्कीम से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने हम लोग को फंड दिया है ट्रेनिंग कराने के लिए। वेस्ट बंगाल में अभी मुगा धीरे धीरे शुरू हुआ है कालिम्पोंग कार्शियांग ऐसा डिस्ट्रिक्ट में कूचबिहार में पहले था फिर उसके उधर कोरोना का टाइम में थोड़ा बंद हो गया था फिर रिहा भी हो रहा है इसीलिए उधर से भी कूचबिहार से भी फार्मर्स आया है और कालिम्पोंग कार्शियांग डिस्ट्रिक्ट से दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से भी फार्मर्स आया है इधर रियरिंग करने ट्रेनिंग करने के लिए। फार्मर जो है ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने फंड किया है हाँ ये ट्रेनिंग जो प्रोग्राम चल रहा है इसका फंडिंग वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने किया है। टेक्निकल सपोर्ट जो है हम लोग का साइंटिस्ट सेंट्रल सिल्क बोर्ड एमईएसएसओ अर्थात मुगा एरि सिल्कम सीड ऑर्गेनाइजेशन का जो साइंटिस्ट है हम लोग इन लोगों को सिखा रहा हूँ जो कैसे सीड क्रॉप रियरिंग मुगा का सीड रियरिंग जो होता है। क्योंकि देखिए सेरिकल्चर में दो टाइप का कोकून होता है एक सीड कोकून एक कमर्शियल कोकून। कमर्शियल कोकून से धागा और सूता निकलता है और सीड कोकून से हम लोग को नेक्स्ट जनरेशन का जो अंडा मिलता है कि जो कोनी बोलता है असामीज में मुगा का कोनी वो मुगा का कोनी बा मुगा का सीड बनाने के लिए एक टाइप का कोकून होता है उसका बोलता है सीड कोकून। उसका क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो चाहिए। तो ये आहिरुआ भोदिया जो दो मेन क्रॉप है सीड क्रॉप एंड प्री सीड क्रॉप फॉर कोटिया कमर्शियल क्रॉप। तो कोटिया कमर्शियल हम लोग का जो असम एरिया में जो है जितना है उतना कमर्शियल क्रॉप ज़्यादा होता है जेठुआ एंड कोटिया दो सीजन में कमर्शियल क्रॉप होता है। इसके लिए सीड क्रॉप बनाना चाहिए सीड नहीं होगा तो कोनी नहीं होगा तो नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगा इसीलिए इन लोग को हम लोग सिखा रहा हूँ। जो अनफेवरेबल सीजन अभी मेघालय में जो सीड क्रॉप जोन था अभी टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग का वजह से थोड़ा थोड़ा क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है इसी के वजह से हम लोग को नया सीड जोन मिजोरम में मणिपुर में ऐसे कालिम्पोंग में वेस्ट बंगाल कालिम्पोंग में हम लोग ढूंढा हूँ। सीएसबी ने ऐसे डिमार्केशन किया है इस सब जगह में टेम्परेचर सुइटेबल है मुगा रियरिंग के लिए इसीलिए इस उधर का फार्मर्स को हम लोग
ट्रेन करके जितना हम लोग ट्रेन करेंगे उतना फार्मास बढ़ेगा, उतना फार्मास जितना बढ़ेगा हम लोग का सीट कोकुन ज़्यादा मिलेगा, इसीलिए हम लोग को ये ट्रेनिंग रखा है जरूर। और देखिए सब स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं फंड दिया है, ये फंड पहले दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एज ए सिल्क होम ग्रो टू, वही फंड हम लोग फिर दे रहा है वो लोग एज ए ट्रेनिंग कराने के लिए, कौन सा किसको स्टेट को कराना है, कौन सा फार्मास को कराना है वो लोग सिलेक्ट करके दे रहा है, हम लोग ट्रेनिंग करा रहा हूँ। ठीक है, हम लोग का भी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है सीबीटी बोल के कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग, उसका फंड से ही हम लोग भी बहुत सारा स्टेट का फार्मास को ट्रेनिंग कराता हूँ, फिर भी दूसरा स्टेट भी फंडिंग करेगा तो हम लोग भी उन लोगों को ट्रेन कर दूंगा एज ए सीड क्रॉप रियरिंग मुगा का लिए। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।